कल क्या पढ़ा था? ए पकौड़ी लाल, क्या पढ़ा था कल? पावर, पावर कंज्यूम्ड इन एसी, यही ना हम लोग पढ़े थे कि एसी में कितना पावर कंज्यूम्ड होता है। तो एसी में कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ था? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना, कॉस फाई, यही ना पढ़े थे। तो ये फाई क्या था? फेज डिफरेंस, है ना। और कॉस फाई को हम क्या कहेंगे? पावर फैक्टर। अब इसी का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी में सेकंड पार्ट था, चूंकि कल वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। 12th फिजिक्स, क्या इंजीनियर साहब ठीक कर रहे हैं ना? पावर कंज्यूम्ड तो कर लिए कि कितना पावर खर्च होगा। तो इसमें तीन कंडीशन है, वो तो एसी करंट के लिए हमने पावर निकाला कि कितना खर्च होगा। कंडीशन वन, एक तो प्योर रजिस्टिव सर्किट हो सकता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट जिसमें केवल रजिस्टेंस हो, पढ़ाए थे ना उसमें केवल रजिस्टेंस के केस में हमने आपको क्या बताया था कि ईएमएफ एंड करंट क्या होगा इन सेम फेज, एक ही फेज में था, ना लीड्स था ना लेग्स था, ना आगे था ना पीछे था, सेम था। एगो तेरा जोड़ीदार कहां गया जी? तबीयत में खराबी आ गया है? अच्छा ठीक है, लुक नहीं ना लग गया है? तो ये क्या होगा? स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ? कहीं भोज भात में कुछ ऐसा गेस्ट होता है जो स्पेशल होता है, नहीं? सब आदमी खाने पीने और खिलाने में लगे हो, अब विधायक दिया जाए तो सब आदमी उनका पीछे 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 लग जाए, स्पेशल केस। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, इन द केस ऑफ प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो? केवल रजिस्टेंस हो और उसमें इलेक्ट्रिक क्या हो। तो इसमें क्या होता है? इन दिस सर्किट ईएमएफ यानी वोल्टेज, लिख दो वोल्टेज एंड करंट इन क्या होता है? सेम फेज। जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा तो फाई क्या होगा? फाई क्या होगा? जीरो। सेम फेज है, फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन किसमें वोल्टेज एंड करंट, दोनों के बीच में फेज। लेकिन वोल्टेज और इन द केस ऑफ रजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, नॉट डायरेक्शन, सेम फेज, एक ही फेज में चलता है कि तू चल हम आई, नहीं एक ही तरफ। तो कोई दोनों में अंतर है? ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों में कोई एंगल है? नहीं है। तो एंगल फाई कितना? जीरो। देन कॉस फाई है ना, बराबर क्या होगा? तब हम लगाते हैं इसमें, देखो पावर क्या होता है? पी बराबर ई आर एम एस और
एंड आई आर एम एस होगा ना इज कॉस फाइव, पावर यही ना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा पी ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस कितना डिग्री, जीरो डिग्री। देन पी क्या होगा ई आर एम एस आई आर एम एस, क्यों, क्योंकि कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन होता है, कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, वन से इस सब में गुना करेंगे तो क्या होगा है? तब अब क्या लिखेंगे एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड करें पावर, एक्चुअल एक्सपेंडेड पावर यानी कि वास्तविक व्यय की गई वास्तविक व्यय की गई मतलब को व्यय किया गया वास्तविक शक्ति, वह किया गया वास्तविक शक्ति, अपने पावर को पूरा एक्सपेंड कर दिया इसमें, किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में, क्योंकि दोनों तो एक के फेज में जा रहा है, एक के तरफ जाएगा, दोनों में झगड़ा होगा, एक फैटू मारी अपन सारा शक्ति बर्बाद, तो क्या होगा लॉस ऑफ पावर, पावर का क्या होगा इसमें लॉस होगा, तो लिख दो पावर ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है पावर लॉस होगा, यहां स्पेशल केस लिख देना समझा, चलो इतना स्पेशल केस है ना, यहां लिख दे इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में बस शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में केस नंबर वन हुआ। अब वोल्टेज क्या एंड करंट इन सेम फेज, कहने का मतलब विभव और धारा एक ही कला में है हो गया। अब लिखो देयरफॉर, इसलिए ये सब लिख दो, यही लिख देना सेम फेज, इसलिए फाइव बराबर जीरो, ओके नोट कर लो है। एक्चुअल एक्सपेंडेड पावर कौन हुआ इसमें, अरे बकवास, ये जो पावर निकला है ना ये वाला, यही हुआ एक्चुअल एक्सपेंडेड पावर, यही है। अब इसमें क्या होता है, ये जीरो हो गया, तो यहां पर ऐसे सुधार के तुम लिख सकते हो पी आर एम एस आई आर एम एस, इसमें लॉस होगा, व्यय की गई राशि मिटा दें। ये क्या था, हो स्पेशल केस था ना, स्पेशल केस था। अब केस नंबर टू, दूसरा केस क्या होगा ये बताइए है, इन द केस ऑफ किसमें प्योर इंडक्टिव सर्किट, हट जा रहा है ठीक है। इस केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में क्या है, ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स, ईएमएफ क्या होता है लीड्स
करंट एंड करंट लैक्स। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका हिंदी क्या हुआ, शुद्ध प्रेरकत्व के, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में हो गया। करंट क्या है, लेक्स यानी करंट, ए करंट लीड्स, ये लिख लो, ईएमएफ आगे, करंट विद्युत धारा पीछे, युवा ईएमएफ आगे आई धारा, धारा पीछे, हो गया ना, आगे पीछे, ठीक। जब आगे और पीछे होगा तो इस केस में फाई कितना होगा जी, पाई बाई टू, याद है ना, पाई बाई टू। ईएमएफ लीड्स करंट लीड्स बाई फेज पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, पाई का मान 180 बटा दो यानी कि 90। फिटास खुशे तनी हंसता, हाँ मार्ग दला काटने वाला। चलो देखो अभिषेक, समझ रहे हो, तुम तो सब समझ जाता है, कहे कि ब्रेन तो तुहर फाका भक चलता है करंट से भी तेज, है आई नो। चलिए नेक्स्ट देखो, तो यहां क्या होगा, पी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड ई एक्सपेंडेड क्या, पावर यानी व्यय की हुई एक्सपेंडेड पावर। इन दिस केस, इस केस में, इस मामला में व्यय की किया हुआ कौन चीज, शक्ति, व्यय किया हुआ शक्ति। अरे तो बोल रहे हैं तो नोट कर लेना चाहिए, तो मुंह देख रही है, कहेंगे लिखो तब लिखेगी। व्यय की गई शक्ति क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, किस केस में, इन द इंडक्टर, मार दिए इंडक्टर, हो गया, क्या होगा, E नॉट E आर एम एस, यही ना, और I आर एम एस, कॉस क्या होता है, फाई, यही ना होता है, तो फाई के जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। फेज में हम 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, इसीलिए तो पाई बाई टू कहा गया है, ठीक है, पाई। अब देख तो यहां क्या हो जाएगा, पी बिल्कुल ही नहीं आएगा, उसमें जीरो आया था, देखो तो इसके केस में जीरो आया था, क्या आया था, वन से मल्टीप्लाई किए थे तो आई आर एम एस ई आर एम एस, यह क्या था, पावर, पावर था ना, तो खर्च किया गया पावर, तो खर्च किया गया पावर था, आर एम एस क्या होता है, मैक्सिमम, वो तो खर्च कर दिया सब, तो बचा का घंटा कथी बचा, सावन के दिन तो भोला बाबा के घंटे न बजते खाली बजावे ला, भोला बाबा से तो भेंट हुई ने, बाहर लगा दे बा कुप्पी, वही में जल डाल चल जाता था बाय बाय करे, ऐसा हो सावन में आ पूर्णिमा में आ सोमारी के दिन भोला बाबा चुका के डरे छत पर बैठल रहा, के कहता है कि नहीं खाता है, अभी लेता हूं तनी चिकन बिरयानी हम खा दे तुमको, खा के दिखा देते हैं कि नहीं। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, जीरो, 90, और कॉस 90 बराबर क्या होता है, जीरो, इससे गुना कर देंगे जीरो से, ऑल टर्म आर जीरो, यानी पी इंडक्टिव बराबर कितना हुआ, तो खर्च किया गया शक्ति यानी उसने जो पावर लगाया क्या लगाया, जीरो लगाया, तो सारा शक्ति बचल है कि नहीं, तो इसमें लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस हुआ, कुछ पावर खर्चे नहीं हुआ तो लॉस कहां से हुआ रे, पावर खर्चा हुआ है, तो यहां क्या लिखेंगे, नो एनी
नो एनी पावर पावर नो लॉस है ना, नो लॉस एनी पावर, इसमें पावर का खपत नहीं हुआ, इसमें पावर की कमी नहीं हुई, इसमें शक्ति की कमी नहीं हुई, इसका क्षमता नहीं घटा है ना। नो पावर नो लॉस एनी पावर इन इंडक्टिव सर्किट है ना, उसके इंडक्टिव सर्किट में पावर का लॉस नहीं होता है। क्यों? करेंट ईएमएफ तो उधर जा हम इधर जाता है, तो दोनों में बेटे ने हुई तो पावर लॉस हुई ना, हुई दोनों में बेट हुई तब ना फाटा फाटी होगा तब ना पावर का लॉस होगा, बेटे नहीं होगा तो पावर का लॉस कैसे होगा। दैट्स ऑल, एनी प्रॉब्लम? राइट इट, मिटा देना है। अभिषेक सुने हैं कि सावन में तुम्हारे यहाँ भोज होता है, हैं? अरे यार भोज उज करो क्या, कहाँ रखेगा सारा दवाई का पैसा, सब फिरंगी आइटम रखता है। चलो अब कौन सा केस बचा हैं? थर्ड केस कौन? अरे रजिस्टर इंडक्टर हो गया है, वो कैपेसिटर है ना बचा। इन द केस ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना, शुद्ध संधारित्र परिपथ में इसमें का होता है हो, बोलो, वोल्टेज लेग्स पीछे करंट लीड्स, इसमें क्या होता है वोल्टेज लेग्स और करंट लीड्स होगा ना, इसमें क्या होगा विभव आगे और धारा बैक, विभव पीछे लेग्स और धारा आगे, वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। ए पीछे से कहीं फेंक दे ले करो इसका वोल्टेज बढ़ते जाए, नहीं 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 बगल से चलिए, ए अरे 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 चलो हो गया बढ़ गया तनु वोल्टेज बढ़ा, अरे समझ में आएगा तब ना वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए इसमें भी फेज डिफरेंस कितना, फेज कितना फाई इज इक्वल टू पाई बाई, इसमें भी पाई बाई टू का अंतर था ना, माइनस हो या प्लस हो उससे मतलब हमको नहीं है, फेज कितना था फाई बाई, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई कितना हो जाएगा, ए बोलना दे, कॉस फाई को क्या कहते हैं, फेज बोलना रे, फेज डिफेक्ट, कॉस फाई को क्या कहते हैं ये बता, पावर फैक्ट। चलो तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, अंदाजा लग गया होगा कि सेम आएगा जो इंडक्टर में आया है, पाई बाई टू 180/2 90 cos 90 0 ऑल्टर मान 0, तो क्या होगा एक्सपेंडेड पावर, होगा एक्सपेंडेड पावर कितना, आर एम एस कॉस पाई बाई टू, इसका वैल्यू कितना 0, ई आर एम ए इधर आई
आरएमएस गुने जीरो, ऑल टर्म आर जीरो, पी कितना जीरो, यानी सी कैपेसिटिव सर्किट में जीरो आया। तो व्यय की गई शक्ति कितना जीरो, यानी खाया 2 किलो दूध रसमलाई वगैरह 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 सब खा लिया, आ काम किया कुछ है ये नहीं, ऊर्जा खर्चे नहीं हुआ, शक्ति कुछ लगाए नहीं किया, तो सब बचबे ना करेगा है ना। तो इसमें क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, नो लॉस ऑफ पावर, एनर्जी नहीं पावर, इस केस में पावर लॉस नहीं होगा। ए तुमने क्या देखा, पावर का लॉस कहां कहां हो रहा है, पावर का लॉस किस में, केवल रेजिस्टेंस में, यानी कि इसीलिए ना शुरू में हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस प्रतिरोधक, प्रतिरोध प्रतिबाधा, किसी के प्रतिबाधा उत्पन्न करना। हर गांव में एक आध गो, हर मैंने हर गांव का हर खानदान में मिल जाएगा एक आध गो ऐसा कि उसका वह काम है कि ढपाला रहो, कुछ एगो छोड़ दो दाना की फसल रहा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर पढ़े हो ना, पावर फैक्टर किसको कहते हैं, कॉस थीटा को, फाई को, कॉस फाई को, ए खुशी मारेंगे तो नाराज हो जाएगी है ना, चीट पुर्जा फेंक रही है क्या, तो वह ना चीट पुर्जा कहलाता है, कागजे के ना परीक्षा में चीट पुर्जा कहा जाए। अतः देखो इसका हिंदी क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक, इसका इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालेंगे कैसे, हम पी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा बोलो, ई आर एम एस आई आर एम एस, मैंने वह बात है, ये गो अलू की 18 गो सब्जी बना ला, भुजिया बना दो, चप बना दो, दम बना दो, चोखा बना दो, आलू भर के रोटी बना दो, तो एक गो चीज हुआ कि इधर से उधर, उधर से इधर करके इसको निकालते रहना है ना। आई आर एम एस कॉस फाई, मैंने आपको क्या कहा था कि पावर फैक्टर किसको कहते हैं, कॉस फाई को, है ना। तो यहां कॉस फाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, ईपी है ना, अब बटा में क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस, ये हुआ पावर फैक्टर, हो गया। अब देखो कंडीशन नंबर वन, सर्किट अब बना रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट में फोर रजिस्टिव सर्किट ओनली, फोर रजिस्टिव सर्किट ओनली, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, केवल रजिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा जी, वन हो जाएगा कि नहीं, कैसे होगा, थीटा कितना है, फाइव कितना है, इसमें फाइव कितना जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना वन, तो पावर फैक्टर कितना हुआ वन, फिटास
दूसरा दूसरा केस देख लो फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, फॉर इंडक्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्ट प्रेरक प्रेरकत्व और संधारित्र परिपथ में, यानी इसको क्या कहेंगे हम, एलसी सर्किट, इंडक्टर एल, कैपेसिटर क्या होगा बोलो, कॉस फाई क्या होगा इसका, कॉस फाई कौन चीज, पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर ना कहेंगे, पावर फैक्टर कॉस क्या है, कॉस फाई कितना हो जाएगा इसमें, जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, दोनों में फेज में अंतर है, कितना का अंतर है, इंडक्टर में भी अंतर है, इंडक्टर के केस में लीड्स ईएमएफ लीड्स करंट लेग्स, कैपेसिटर के केस में ईएमएफ लेग्स करंट, दोनों में अंतर है कितना का, पाई बाई टू, तो ये कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई टू यानी 90, कॉस 90 बराबर जीरो, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाइव पावर फैक्टर ना है, और पावर फैक्टर जीरो नहीं, नीचे आएगा जी नहीं आएगा, इसको नोट करो तब आगे बढ़ो, अब क्या होगा थर्ड नंबर में, किस सर्किट में ले ले अब बोलो, दो सर्किट लिया ना, कौन कौन लिया, एक प्योर ओनली रजिस्टर, दूसरा क्या लिया, इंडक्टर और कैपेसिटर, में दोनों मिलकर नहीं है, अलग अलग इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, अब लेते हैं फोर आरसी सर्किट, फोर आरसी सर्किट है, आरसी रेजिस्टेंस एंड पिटास, तो कॉस फाई बराबर की होएगा, रजिस्टर तो है, इम्पीडेंस पढ़ा था ना, ई बाई जेड, आर बाई क्या होगा, रूट अंडर होता है कि क्या होता है, रूट अंडर क्या होगा, आर स्क्वायर अब प्लस क्या होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर सी एक्स सी होता है ना, तो क्या होगा, वन बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, फिटास। अब चौथा केस देखो, चौथा केस कौन है ये, एल आर, फोर एल आर सर्किट, इसमें कॉस फाई समझ जाना, कॉस फाई क्या है, पावर वेक्टर, फैक्टर शक्ति गुणांक होगा, इसमें क्या दोगे, आर तो रहेगा, अब बटा रूट अंडर भी होगा, रूट अंडर के बाद क्या होता है नीचे याद है, आर स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, ए प्लस नहीं बोलेगा, अरे इसके लिए क्या होता है, एक्स एल यानी ओमेगा एल, नहीं पढ़े हो, एल ओमेगा पता है तब बोलता काहे नहीं, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब केस नंबर फाइव, ये क्या होगा, कौन बच गया, एगो बच गया एल सी आर, इन द केस ऑफ एल सी आर, एल सी आर सर्किट,
क्या होगा कॉस फाई बराबर क्या होगा जी बोलो, एलसीआर सर्किट में क्या होता है आर बाई जेड, आर बाई इम्पीडांस, एलसीआर में इम्पीडांस है ना है कि दूसरा है। ए खुशी दीदी बोला ना कहती है एलसीआर में इम्पीडांस नहीं निकाला था, आर तो प्रतिरोधक है, अब क्या होगा इसमें आर अब बटा रूट अंडर इम्पीडांस कितना था जी देखो बताओ तुम, इम्पीडांस कितना था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, तो इसको दे दें एल ओमेगा, एक्सएल को हम एल ओमेगा लिख दें और माइनस वन बाय सी ओमेगा था, उसको तोड़ के लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो ये था वगैरह वगैरह, अब वगैरह वगैरह कहाँ हो, अच्छा दूसरा चीज, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एलसी ऑसिलेशन, यानी किसी सर्किट में एल सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो क्या उसमें ऑसिलेशन होगा, दोलन होगा, हिलेगा डोलेगा, है ना है, अच्छी अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इसलिए यह एलसी ऑसिलेशन से मुलाकात होगी नेक्स्ट डे, है ना नेक्स्ट एपिसोड में।